News 18, India. बिहार में आज बहुत बड़ा खेला हो सकता है, लेकिन इस सियासी खेल में कांग्रेस टूट के कगार पर भी पहुंच गई है। दावा यह है कि उसके कई विधायक बीजेपी जेडीयू के संपर्क में हैं। इसकी बड़ी आशंका तब नजर आई जब कल कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में उसके सभी विधायक नहीं पहुंच पाए। पूर्णिया में इस बैठक को बुलाया गया था, जिसमें सभी विधायकों के नहीं पहुंचने पर बैठक को उसके बाद टाल दिया गया। हालांकि कांग्रेस के नेता पार्टी के सभी विधायकों के एकजुट होने का दावा कर रहे हैं। भाई हम कैसे माने, नीतीश जी बराबर ये बयान देते रहे कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इतिहास बदल रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, जनतंत्र खतरे में है, तो क्या अब नीतीश जी चले जाएंगे उन्हीं लोगों के साथ, इतिहास बदलने वाले के साथ जो जनतंत्र खत्म कर रहा है उनको उसके साथ चले जाएंगे? हमको क्या नहीं लगता, नीतीश जी वापस लौटेंगे? नहीं लगता है। हमारा एक दिन का भी, कांग्रेस पार्टी का एक दिन का भी कोई तोड़ के नहीं लिया, बल्कि वो अपना घर बचाएं तो बेहतर है। अरुण इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, नीरज कुमार जेडीयू के नेता, उनको अरुण हम सुन रहे थे। अब बहुत खुले तौर पर बयानबाजी की जा रही है, न सिर्फ आरजेडी हमलावर है बल्कि जेडीयू भी अब बहुत तीखे तरीके से जवाब देती हुई दिखाई दे रही है। इन सबके बीच में ये भी कहा, सीट शेयरिंग का भी उन्होंने जिक्र किया, यानी कि कई छोटी छोटी ऐसी बातें रही होंगी जो आखिर में इस रूप में हुई कि नीतीश कुमार ने ये फैसला किया कि अब वो पाला बदल रहे हैं। देखिए, ये जो कुछ भी हमले हो रहे हैं ये तब हो रहे हैं जब नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया, और इस बात की जानकारी उनकी पार्टी के अंदर भी है और आरजेडी को भी लग गई थी। ऐसा नहीं कि आरजेडी को भनक नहीं थी इस बात की और कांग्रेस को भनक नहीं थी, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी दोनों ये नहीं चाहते थे कि बयानबाजी करके वो इस तरह से आ जाए सामने और एक्सपोज कर लें अपने आप को। पता तो उनको चल गया था, एक महीने से कवायद चल रही थी। अब जब गठबंधन लगभग टूट ही गया है और उसमें अब सिर्फ औपचारिक ऐलान ही होना बाकी है, नीतीश कुमार जैसे ही राजभवन गए इसका मतलब है कि इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन यहां पर बिहार में खत्म हो गया। देखिए, सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर कहीं थी पूरे देश में बीजेपी के सामने तो वो बिहार ही थी, क्योंकि बिहार में अगर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू तीनों मिल के लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती होती। बाकी राज्यों में इस तरह की चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है ही नहीं। नीरज कुमार ने एक और बात कही जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की धारा नहीं रुकेगी। तो अरुण, क्या विकास की धारा नहीं रुकेगी, इसके लिए नीतीश कुमार को जिस भी नाव में सवार होना पड़े वो हो जाएंगे? देखिए, जेडीयू ये कहती रही है और बीजेपी भी यही बात कहती है कि जब नीतीश कुमार हमारे साथ होते हैं, यानी बीजेपी के साथ होते हैं, तब पुल बनते हैं, पुलिया बनती है, शासन व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो आरजेडी के साथ जाते हैं उसके बाद करप्शन बढ़ जाता है, यहाँ पर क्राइम बढ़ जाता है, ये बीजेपी लगातार बोलती रही और यही कॉमन ग्राउंड है। बीजेपी इसी ग्राउंड पर नीतीश कुमार के साथ जाएगी, कहेगी कि देखिए सुशासन लाना है तो सुशासन बाबू को बीजेपी के साथ मिलकर काम करना होगा, और उसके लिए वो 2000 के बाद से, लगभग 2005 से लेकर 2013 तक के बीच की जो बिहार की स्थिति बदली, जो कानून व्यवस्था की स्थिति बदली, जो अपहरण उद्योग पर यहाँ पर पाबंदी लगी, जो क्राइम पर पाबंदी लगी, भले ही नीतीश कुमार उसका चेहरा हो लेकिन बीजेपी श्रेय लेती है कि हम सरकार में थे, और चूंकि बीजेपी का नारा ही सुशासन है अटल बिहारी वाजपेयी के समय से, तो बीजेपी की वजह से यहाँ की स्थिति सुधरी थी। और नीतीश कुमार जब जब आरजेडी के साथ जाते हैं यहाँ पर भ्रष्टाचार और जंगल राज का आरोप बीजेपी लगाने लगती है, तो यही तो कॉमन ग्राउंड है जिसके जरिए दोनों दल इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, जब वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, तब भी वो उतने ही सक्षम मुख्यमंत्री कैसे रह पाते हैं जितना वो बीजेपी के साथ रह पाते हैं? ये सवाल जरूर नीतीश कुमार पर हमेशा से उठता रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन अब लालू प्रसाद और तेजस्वी इस बार नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी कोटे से हैं। अब इसीलिए आरजेडी इसका फायदा उठाकर सरकार कैसे बना सकती है, इसकी गणित क्या कहती है, आइए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए जल्दी से बिहार विधानसभा की जो दल के साथ स्थिति क्या कहती है, किसके कितने विधायक हैं ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले आरजेडी आप देखिए, सबसे ज्यादा 79 विधायक है, उसके बाद बीजेपी के 78, फिर जेडीयू के 45 है, फिर कांग्रेस की आप देखिए 19, एचएम यानी कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4, लेफ्ट के 16, एआईएमआईएम 1 और निर्दलीय 1। ये स्थिति है विधायकों के हिसाब से। लेकिन फिलहाल बहुमत को लेकर आरजेडी की मुश्किल क्या है ये भी आपको समझना जरूरी है। बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत है। अब आरजेडी को 115 विधायकों का समर्थन हासिल है, आरजेडी को 8 विधायकों की और ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अब आरजेडी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, एआईएमआईएम या बाकी सबको मिला लें तो 120 हो जाता है, लेकिन अभी भी बहुमत के लिए 2 विधायकों की कमी यहां पर दिखाई देती है। अब इन सबके बीच में सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव बहुमत के आंकड़े से दूर होते हुए भी सरकार बना सकते हैं?
तो ये अहम सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव बहुमत के आंकड़े से दूर होते हुए भी सरकार बना पाएंगे। आइए अब इस सवाल का जवाब भी हम टटोलते देखिए। आरजेडी अगर जेडीयू के 15 विधायकों को तोड़ लेती है तो सदन में आरजेडी गठबंधन विश्वास मत हासिल कर लेगा, ये स्थिति होगी। और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आरजेडी कोटे से है, जेडीयू अपने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करेगी। विधानसभा अध्यक्ष इसके बाद फैसला करने में 2 से 3 महीने का वक्त ले सकते हैं, तब तक तेजस्वी बिहार में सरकार चला सकते हैं। तो तेजस्वी कैसे सरकार बना सकते हैं वो स्थिति भी हमने आपको समझा दी। और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ है। चंद्रमोहन देखिए, हमने वो समीकरण भी बताया जिस पर सरकार बन सकती है, लेकिन क्या इसकी संभावना वहां दिखाई दे रही है? क्या बीजेपी और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार जब राजभवन पहुंचेंगे तो क्या इस तरह का विकल्प वो बाकी छोड़ेंगे कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव वहां बीच में कोई खेल कर पाए? बिल्कुल, देखिए इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि नीतीश कुमार जब 10 बजे यहाँ पर बैठक करेंगे उस समय उनके तमाम जो पार्टी के विधायक रहेंगे वो मौजूद रहेंगे, सांसद मौजूद रहेंगे और MLC मौजूद रहेंगे। और साथ ही जैसे ही यह बैठक खत्म होगी उसके बाद बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, MLC हैं और सांसद हैं, वो मुख्यमंत्री आवास में पहुंचेंगे। तो एक तरफ नीतीश कुमार इस्तीफे की पेशकश करेंगे राज्यपाल के पास, तो वहीं दूसरी तरफ समर्थन पत्र भी साथ लेकर जाएंगे। तो ऐसे में गुंजाइश कम बच जाती है कि इस बीच तेजस्वी यादव भी पहुंच जाएं, बड़े दल होने के नाते राजभवन की वो भी अपना दावा पेश कर दें कि सरकार बनाने के लिए उनके पास पूर्ण बहुमत है। इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। और नीतीश कुमार जो भी कदम उठाते हैं वो पुख्ता ठोक बजाकर सब कुछ देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगला कदम उठाते हैं। तो पहले बीजेपी के साथ बातें कंप्लीट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और अब सरकार बनाने की बारी है। ऐसे में अब उस वक्त का इंतजार किया जा रहा है जब यहां पर तमाम NDA के जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे और उसके बाद फिर नीतीश कुमार एक तरफ इस्तीफा देंगे तो दूसरी तरफ सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। ठीक है चंद्रमोहन, बने रहिए। अरुण अब जरा ये बताइए, जो आंकड़ा हमने दर्शकों को दिखाया आपने भी सुन लिया होगा कि अभी भी माना ये जा रहा है कि कुछ हद तक संभावना जाहिर की जा रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता जो लोग नीतीश कुमार की राजनीति को समझते हैं ये वो बहुत बखूबी जानते हैं कि वो कितना पहले से होमवर्क करके इस बारे में रखते हैं, तो क्या ये संभव हो सकता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि नीतीश कुमार का ये जो इस बार का पासा है वो उल्टा हो जाए, जिसकी संभावना यहां से तो बहुत कम दिखाई दे रही है? देखिए सरकार के गठन में जो नीतीश कुमार ने नया रुख अपनाया उसमें कोई गफलत होती या पासा पलटता हुआ नहीं दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में क्या होगा, विधानसभा चुनाव में क्या होगा, समीकरण क्या होंगे, जातियों का वोट किसके पास जाएगा, नीतीश कुमार को इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये तो बहुत बात की बात है। लेकिन सरकार जहां तक आज बनाने की बात है, नीतीश कुमार के शपथ लेने की बात है, देखिए नीतीश आज भी मुख्यमंत्री हैं, सारे अधिकारी उनके अपॉइंट किए गए हैं, विधायक सारे उनके इंटैक्ट इसलिए रहेंगे क्योंकि सरकार उनकी बनती दिख रही है। तो ऐसे में कोई विधायक ये कभी भी जोखिम मोल नहीं लेता कि वो सरकार के खिलाफ जाए। अगर उनको ये दिखेगा कि नीतीश कुमार बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपा रहे हैं तब ये खेल होता है। जब स्पष्ट बहुमत उनको और बीजेपी को मिला के दिख रहा है और जीतन राम मांझी उनके साथ हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उनके पास बहुमत है, इसलिए विधायक तोड़ना मुश्किल हो जाता है जो सरकार बना रहा होता और बनता हुआ दिख रहा होता और मजबूत होता है। पहली बात। दूसरी बात, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में विधायक अगर जेडीयू छोड़ के या बीजेपी छोड़ के जाना चाहें तो वो 10 बार सोचेंगे। पहली दिक्कत ये है। दूसरी बात यह है कि आरजेडी जो है उसके पास बहुमत से कम आंकड़ा दिख रहा है और आरजेडी क्या 2/3 किसी पार्टी को तोड़ पाने की हैसियत में है, क्या वो उसके पास देने के लिए क्या है, ऑफर करने के लिए क्या है, संभावना क्या है, ये सारी मुश्किलें आएंगी आरजेडी के सामने। इसलिए नीतीश कुमार सोच समझ के उन्होंने फैसला लिया है और कोई इस तरह का कोई चमत्कार होता हुआ आरजेडी के लिए मुझे तो नहीं दिख रहा है कम से कम।